स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अर्जुना रिस्ट के बारे में, जो हमारे पास है वैद्यनाथ फार्मा का। ये एक आयुर्वेदिक सिरप है जो हृदय रोगों में सभी प्रकार के उपयोगी होता है, यानी दिल के रोग से किसी भी रोग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है आपके हार्ट डिजीज़ के लिए। इसकी कीमत है दोस्तों 450 ml का है, 135 रुपये का, प्लास्टिक की पैकिंग में देखने को मिल जाता है। ये एक अरिस्ट है, यानी अर्जुना रिस्ट है ये अरिस्ट। इसमें दोस्तों ये आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में उन्होंने जानकारी दे रखी है, और ये जितना पुराना होता है अरिस्ट उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन आजकल जो अरिस्ट आ रहे हैं उनको एक एक दो दो साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, जो ओरिजिनल अरिस्ट होगा उसकी वैधता कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे इसकी आप मान सकते हैं 1/18 का ये बना हुआ है, तो इसकी कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं होगा कि इसकी एक्सपायरी कब है और इसका कब तक, कितने महीनों तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराना, जितना अरिस्ट होगा उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बारे में आज हमको जानकारी देंगे कि इसके किन किन प्रकार के रोग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। बात करते हैं अर्जुना रिस्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है दोस्तों अर्जुना की छाल मिलती है, यानी और अर्जुना होता है, द्राक्षा होता है और मंडुका होता है, और आपका धातु की पुष्प होता है। ऐसे इसमें इंग्रेडिएंट है जो इसको अब बनाया गया है, जो आपके हार्ट डिजीज़ के सभी प्रकार के रोगों में इसका उपयोग आप किया जा सकता है। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सभी प्रकार के दिल की बीमारियों में, जैसे कि बेचैनी होना, घबराहट होना, हृदय का कमज़ोर हो जाना, थकावट हो जाना, श्वास संबंधी समस्याएं होना, ब्लड सर्कुलेशन कम होना या ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देने में अच्छा काम करता है, हार्ट अटैक होना, एंजाइना की प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो जिन लोगों को होती है या जिन लोगों को हो रही है, वो लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर नॉर्मली अगर कोई यूज़ करना चाहते हैं तो अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए अर्जुना रिस्ट का उपयोग में ला सकते हैं। बिना किसी नुकसान को ये आपको ये फ़ायदा देता है। इसको उपयोग करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, 15 से 30 ml इसको सुबह शाम लिया जाना चाहिए, दिन में 2 बार बराबर पानी की मात्रा के साथ, खाना खाने के बाद इसको लिया जा सकता है। अगर आप इसके अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, आपको हार्ट की बीपी की कोई प्रॉब्लम है, तो प्रभाकर वटी आती है जिसको डेली 1-1 गोली इसके साथ में आप उपयोग में ला सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल जैसी कुछ भी समस्याएं हैं तो इसके लिए आपको खाना पीने का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट फूड ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, जैसे गेहूं, चावल आदि हो गया, हरी सब्जियां होगी, पालक, गोभी, पत्ता गोभी, पिस्ता, बादाम, अखरोट जैसे, और एक्सरसाइज का जरूर यूज़ करना चाहिए, पानी से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए पानी का। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल में रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बराबर मात्रा में आपके हार्ट तक होता रहता है। परहेज क्या करना चाहिए, अगर आपको बीपी जैसी प्रॉब्लम है, घबराहट होती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइना हो गया या फिर अटैक वगैरह कभी आ चुका है, तो इसमें आपको मिर्च मसाले जैसे स्पाइसी फूड को बंद कर देना चाहिए। दालों को उपयोग ना करें जो हैवी दाल होते हैं, जैसे उड़द, राजमा और कैफीन वाली चीज़ों को बंद करना चाहिए। कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, इन चीज़ों को बिल्कुल ही ना करें, और साथ में अल्कोहल, स्मोकिंग का बिल्कुल ही यूज़ ना करें। ये आप अगर परहेज करेंगे, इसके साथ साथ अर्जुना रिस्ट को यूज़ करेंगे, तो आपकी दिल की बीमारी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको नॉर्मल बीपी की समस्याएं हैं तो भी आप अर्जुना रिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये था कुछ दोस्तों अर्जुना रिस्ट के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।